दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जैसा ही सेमेस्टर एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया है, सेकंड सेमेस्टर का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। सेकंड सेमेस्टर का ये वीडियो है ऐसे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि किस तरीके से पेपर आएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि पेपर जो है आप लोगों का MCQs टाइप का ही रहेगा, यानी कि दोस्तों मल्टीपल क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। किसी भी पेपर में, यानी चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, आज तो ये वीडियो मैंने मैथमेटिक्स के लिए लेकर के आया है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये इस वीडियो का लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना जिसके आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्वेश्चन को किया है तो कैसे किया है, ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखा जाएगा कि आपने जो करेक्ट आंसर पे ट्रिक किया है कि नहीं किया है। दोस्तों इस तरीके की परीक्षाएं दोस्तों काफी ज्यादा यहां पर आप लोगों के लिए बहुत कठिन भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को हल करना, हल करके करेक्ट आंसर पर ट्रिक करना। मैं आपको बता दूं जहां तक उम्मीद है तो किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों का यदि नंबर 17 से कम आता है तो उसी तरीके से बैक की प्रक्रिया भी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में सिलेबस को डिस्कशन करके और मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि आप लोग का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का हिंदी का पोर्शन उठाता हूँ सबसे पहले समाकलन गणित से, ठीक है। समाकलन गणित में आप लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दो चीज़ों से, पहला तो पूछ दिया जाएगा समाकलन गणित से, समाकलन गणित से ज़्यादा क्वेश्चन, और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका समाकलन गणित द्वितीय से, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, समाकलन फिर खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये आंशिक भिन्न का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो समाकलन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन द्वारा समाकलन ज्यादा पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं जब भी परीक्षाएं MCQs टाइप की होती हैं, ठीक है, MCQs टाइप की जब भी परीक्षाएं दोस्तों होती हैं तो उनमें आपको अब ये नहीं कहेगा प्रतिस्थापन द्वारा इसको हल करिए या फिर खंडशः द्वारा हल करिए या फिर आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ के हल करिए, ठीक है। सीधे सीधे आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि आपने जो इससे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन में क्या आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर पे आप लोगों को ट्रिक करना है, ठीक है। तो अभी ये जितना चैप्टर आप देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, आपको सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूले याद करने हैं, उसको पुट अप करना याद रखना है और कैसे आंसर आएगा वो याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सेम चीज़ें इसमें भी है। जब यहाँ पर आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप लोगों का ये बताया ही नहीं गया है कि तय सिलेबस क्या है, तो इस तरीके से सिलेबस तो बताया गया है, सॉरी दोस्तों सिलेबस तो आप लोगों का बताया गया, ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब जो है ये नहीं बताया जाएगा कि इस मेथड से हल करिए, आपको किसी भी मेथड से हल करके सही आंसर पर ट्रिक करना है। अगला है आपका वृत्त, वृत्त से भी 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता दूँ कि ये करेक्ट चीज़ें आप लोगों की नहीं बताई गई हैं। करेक्ट चीज़ें कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों का ये नहीं बताया गया है कि जो है कौन से क्वेश्चन कितने, कौन से पार्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन से कितना क्वेश्चन आएगा, इससे कितना क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों पहली बार BTE UP में आप लोग की सेमेस्टर परीक्षाएँ ऐसे ऑनलाइन तरीके से हो रही है, तो जब ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर होंगी तो इसी तरीके से बात आएगी। अब मैं आपको बता दूँ समाकलन में, समाकलन में आप लोग को सारे फॉर्मूले तो सबसे पहली बात याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec x square x का tan x होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को खुद से पढ़ना है मेन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये समाकलन के जो मानक सूत्र दोस्तों दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये समाकलन के जो मानक सूत्र हैं ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाएगा, इसको यदि मैं डिस्कस करने लगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी मैं पार्ट वाइज वीडियो करके बनाऊंगा, आज ये पहले चैप्टर का वीडियो रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी, तो ये तो चीज़ें आप लोगों को खुद से पढ़नी है कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का आप सारी चीज़ें जैसे ही पढ़ते हैं दोस्तों, तो अब मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो आप उदाहरण में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि एक आपका बीज गणितीय टाइप का रहेगा, इंटीग्रेशन x³ + 3x² + 3x + 1 dx,
इंटीग्रेशन में इस तरीके से रहता है जहाँ पर प्रत्येक पद पर आप लोगों को इंटीग्रेशन वहाँ पर ऑपरेट करना होता है, जैसे कि एक्स क्यूब पर अलग करना पड़ेगा, 3x² पर अलग करना पड़ेगा, 3x पर अलग करना पड़ेगा, 1 पर अलग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो एक प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये प्रश्न भी आप लोग का MCQs टाइप का ही होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग का तो क्लियर हो गया कि एक प्रश्न आता है। साथ ही साथ आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, यदि आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग यदि हल नहीं कर पाते हैं, हल करने के लिए सिंपली आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें सिर्फ +1 और -1 कर देना है ऊपर में, और उसके बाद आप लोग को सेपरेट करके इसको हल कर लेना है। तो यदि आप इसको हल कर लेते हैं तब तो वेरी गुड, लेकिन यदि आप हल नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जरूरी है। एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, ये आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें भी सबसे पहले जो 5 है ऊपर उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और बाहर लेने के बाद आप हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी, ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, BTEUP में पूछा जाता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब सेमेस्टर परीक्षाएं लिखित रूप में होती थी तो उस लिखित रूप में होने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं में ये इस इन प्रकार के जितने भी प्रश्न थे आपके, वो सारे प्रश्न जो है 5-5 नंबर में पूछे जाते थे। कुछ प्रश्न आपके 3-3 नंबर में पूछे जाते थे, लेकिन अब की बात जो है सिर्फ इसको आंसर से मतलब है, तो इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब ये एक चीज़ देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को आप गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, कि इस प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला या रखना होगा, cos 2x का 2-3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2x का आपको ऐसा फॉर्मूला रखना होगा ताकि आपका जो 1 है ये कट जाए। जब 1 आपका कट जाएगा तो बाकी चीज़ें आपकी ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर sin 2x का भी इस तरीके से ही होगा। तो इस तरीके के ये दोनों प्रश्नों को आप लोग को देख लेना है, क्योंकि इन दोनों प्रश्न जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा दोस्तों लेवल बढ़ता है, लेकिन जैसे लेवल बढ़ता है तो पहले तो सारे क्वेश्चंस जो थे वो कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट्स जो है पहले उन क्वेश्चनों को हल करते थे, लेकिन अब जब है सारे क्वेश्चंस बराबर हो जाएंगे, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक मार्क ही करना है। तो आप लोग जो है सबसे पहली बात तो आप लोग जो है ईजिली प्रश्न को पहले अटैम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है एटलीस्ट पासिंग मार्क तक हो जाए। जब पासिंग मार्क दोस्तों आपका हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, फिर जा करके आप लोगों का जो है अगला चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, नंबर गेन करना है या नहीं करना है, उसके बाद दोस्तों क्लियर हो गया है। एक और दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक तो क्वेश्चन है ये है 10x + cot x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप लोग को देखना है और हल करना है। ठीक है, हल करना है, कैसे हल करना है मैं आपको बता दूंगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको ए 10x को ए मान लीजिए, cot x को बी मान लीजिए, +b के होल स्क्वायर पर फॉर्मूले को पुटअप कर दीजिए, उसके बाद आप हल करेंगे तो आसानी के साथ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो आपका फार्मूला है, सॉरी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ें जो है ये इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, 10x² का x का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है ये आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, एटलीस्ट आपको उतना प्रश्न का आंसर तो आपको आना चाहिए और उतने प्रश्न को हल करने भी आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मैं आंसर पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब परीक्षाएँ आपकी MCQs टाइप की हैं तो वो उत्तर ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, और मैं आपको जितने प्रश्न जो है मैं हाईलाइट करता जाऊँगा उतने प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ये दोनों प्रश्न आपके हाइलाइटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। अब मैं दूसरे चैप्टर पे आ गया हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, सेम चीज़ें हैं दोस्तों। मैं इस बार भी आपको बता ही दिया हूँ कि चाहे वो किसी भी मेथड से प्रतिस्थापन पूछे, सॉरी इंटीग्रेशन पूछे, आपका वो मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने इस बात का रखता है कि आप लोग जो है किस तरीके से उसको हल करते हैं और करेक्ट आंसर को आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तरीकों से, कोई भी तरीकों से आप लोग को कोई लेना देना दोस्तों नहीं है, सीधे सीधे आप लोग को आंसर से लेना देना है और ऐसे मेथड्स से लेना देना है जिस मेथड के द्वारा आपका इंटीग्रेशन आसानी के साथ निकलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ 2-4 क्वेश्चन को और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। ठीक है, और हल करके आप लोग को
आंसर आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका रहा दूसरा चैप्टर तक, तो मैंने सारी चीज़ें क्यों क्लियर कर दिया। तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों आप लोग का, जो आप लोग का चैप्टर है आप लोग का खंडशः समाकलन, वहाँ से मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता दूँ। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया, और ये सीरीज वाइज चलेगा दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।